बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे वेटनरी विश्वविद्यालय के कुलपति को गिरफ्तार करने में पुलिस असफल हो रही है। पुलिस जहां उन्हें धारा 376 के तहत जबलपुर में तलाश कर रही है, तो वहीं कुलपति डॉक्टर प्रयागदत्त ज्वाल उमरिया में जाकर वृक्षारोपण कर रहे हैं। कुलपति के खिलाफ अब एनएसयूआई ने मोर्चा खोल दिया है। आज एनएसयूआई ने पत्रकार वार्ता में डॉक्टर ज्वाल पर 5100 रुपए का इनाम घोषित किया है। एनएसयूआई ने ये इनाम उन्हें देगी जो उन्हें पकड़ कर लाएगा। एनएसयूआई के जिला प्रवक्ता सचिन रजक की माने तो खुलेआम घूमने के बाद भी कुलपति को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। कहीं न कहीं पुलिस इनाम घोषित करने को लेकर दुविधा में है। यही वजह है कि एनएसयूआई के सदस्यों ने संज्ञान लेते हुए डॉक्टर प्रयागदत्त ज्वाल पर 5100 रुपए का इनाम घोषित किया है। लगातार जबलपुर की संस्कारधानी पुलिस ने हमारा सहयोग किया है। आज जबलपुर में बढ़ते अपराध के पीछे कहीं ना कहीं ज्वाल जो लगातार फरार होने के बाद भी अपने काम कर रहा है, अपने बंगले से रह के सारे फाइलों में साइन कर रहा है, और विश्वविद्यालय में 14 तारीख की एक वीडियो हमारे पास आई, 14 तारीख को वो आमला में अपने विश्वविद्यालय के परिसर में वृक्षारोपण कर रहा है। आज पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं बिजी है, जिसको लेकर आज हमने 5100 रुपये का इनाम घोषित किया है। इसमें कल हमने पुलिस अध्यक्षों को 5100 रुपये इनाम देंगे कि जल्द से जल्द वो अपना जो भी उसका अमाउंट बढ़ाकर उस पर इनाम घोषित करे, और ये हम पूरे एनयूसीआई के सदस्य चौराहे चौराहे में इसका पोस्टर लगाएंगे और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग करेंगे। किसके खिलाफ इनाम घोषित कर रहे हैं आप लोग? ये डॉक्टर ज्वाल है जो कुलपति है वेटनरी विश्वविद्यालय के, इसके खिलाफ 3 महीने पुराने 4 महीने से ये मामला चल रहा है, हाई प्रोफाइल मामला है। पता नहीं तो न जाने क्यों घर में रहने के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब इनाम 5100 रुपये हमने गिरफ्तारी का इनाम घोषित किया, और एनयूसीआई भी जहाँ इनकी दबिश दे दे के इनको पकड़ कर पुलिस के हवाले करें।